सुनहरे भविष्य के लिए आप लोग भी वोट अवश्य करें। स्थायी और अच्छी सरकार बनाने के लिए कृपया वोट डालें। स्टेबल व्यक्ति को खड़ा कीजिए और वोट डालिए। सभी अपना वोट दें ताकि एक अच्छी सरकार बने और भारत को एक अच्छा भविष्य मिले। मैंने अपना वोट दिया, आपने दिया क्या? मैंने अपना वोट दिया, आपने दिया क्या? मैंने अपना वोट डाला, आपने डाला क्या? मैंने अपना वोट डाला, आपने डाला क्या? मैंने भी अपना वोट डाला, आपने डाला क्या? 14 राज्यों की 91 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। 14 यानी कि 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। 12 बजे तक दिल्ली में 25% वोटिंग हुई, जो कि एक अच्छा साइन है। बुलेटिन की शुरुआत 3 तस्वीरों से करने जा रहे हैं। दिल्ली में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी अपना वोट डाला, लेकिन उनका वोट क्या कांग्रेस को ही जिता पाएगा? ये आज का बड़ा सवाल है, क्योंकि मोदी की लहर बताई जा रही है। बीजेपी वाले थक नहीं रहे नमो नमो करते हुए, लेकिन मीम अफजल साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि मोदी की लहर नहीं है, सिर्फ एड्स का कहर है, और ये तो बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार 10,000 करोड़ रूपये जो फूंक दिए गए इन तमाम प्रचार प्रसार में, वो कहां से आए? और प्रियंका गांधी जब अपना वोट डालने के लिए पहुंची तो हमारे सहयोगी मिथिलेश ने उनसे बातचीत की, सुनिए जरा एक्सक्लूसिवली क्या कहा उन्होंने हमारे कैमरा पर। प्रियंका गांधी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ वोट करके निकल रही हैं। अभी आपको दिखाता हूं, ठीक सामने रॉबर्ट वाड्रा के साथ वो निकल रही हैं। अभी से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, ये भारती भवन मतदान केंद्र से निकली है प्रियंका। जाहिर तौर पर जैसे ही प्रवेश किया उन्होंने काफी उत्साहित थी। प्रियंका जी उम्मीद है आपको? उम्मीद है बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन लोग कह रहे हैं मोदी की लहर है। आपको भी लगता है? आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। जाहिर तौर पर प्रियंका ने मतदान के बाद कहा कि उन्हें नहीं लगता है, उन्हें अभी भी उम्मीद है, और मोदी लहर जो कही जा रही है वो उसका असर उन्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन गंगा के साथ मिथिलेश कुमार, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो तीसरे चरण में कई दिग्गजों ने भी अपना वोट डाला है। 6 तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं, जिनमें नजीब जंग, दिल्ली के उपराज्यपाल, एलजी ने भी अपना वोट डाला। आपको तस्वीरों के जरिए बताएंगे हम कि किस किस ने आज जाकर अपने मतदान का, मताधिकार का प्रयोग किया। नजीब जंग, गुलाम नबी आजाद, अरविंद केजरीवाल, अमर सिंह, मीनाक्षी लेखी और विजय गोयल। 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मताधिकार का प्रयोग करते हुए तमाम बड़े नेता दिग्गज उतरे आज, लेकिन सबकी नींदें उड़ी हुई होंगी। कल रात को कितने नेता सो पाए होंगे, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली में ही 150 उम्मीदवार हैं जो कि चुनावी समर में हैं। अब खास के बाद आपको आम लोगों की वोटिंग दिखाते हैं। चंडीगढ़, जम्मू, दिल्ली, जगदलपुर, सहारनपुर आज है 91 सीटों पर मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे लोग। करोड़ों वोटर्स निकल रहे हैं अपना वोट डालने के लिए, और इंडिया न्यूज भी आपसे अपील कर रहा है कि अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र में नेताओं की जमात से हिसाब किताब लेने का आपके पास ये सुनहरा मौका है। अपना वोट जाकर जरूर डालें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। चलिए अब चर्चा पर लौटते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ा हुआ है तमाम नेताओं का, वरिष्ठ पत्रकारों का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त रेणु मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, एनके सिंह जी जुड़े हुए हैं, अनिल बंसल जुड़े हुए हैं, निर्मल पथल साहब भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शिखा राय बीजेपी नेता जुड़ी हुई है। मीम अफजल साहब प्रवक्ता कांग्रेस जुड़े हुए हैं। आरती मेहरा भी जुड़ी हुई है, बीजेपी की वरिष्ठ नेता। मीम अफजल साहब ने बहुत अहम सवाल यहां पर उठाया था। आरती जी एक बात बताइए, लगातार कांग्रेस हिसाब मांग रही है, आपकी लहर है, आपकी सुनामी है, लेकिन ये फिर एड का कहर क्यों है? 10,000 करोड़ रुपए कहां से आए? इतने करोड़ों की एड जो हम अखबारों में देख रहे हैं, ये कहां से पैसा आ रहा है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये 10,000 का झूठा आंकड़ा मीम अफजल जी कहां से लेके आए? और ये भूले नहीं, अभी शीला दीक्षित जी पे एक बड़ा केस चल रहा है, सिर्फ दिल्ली के सिर्फ और सिर्फ होर्डिंग्स का, जिसमें 22 करोड़ के उन्होंने होर्डिंग लगवाए और दिल्ली सरकार का पैसा दिया, और कोर्ट ने उन्हें कहा कि 11 करोड़ आपको अपने पर्सनल पार्टी से या पर्सनल फंड से लौटाने पड़ेंगे, ये कोर्ट का आदेश है। ये ऐसा है जी, ये तो पिछले 15 साल से और 10 साल में केंद्र में ये लगातार भारत निर्माण के नाम पे भारत का जो फंड है उसको लगाते रहे हैं, और झूठ की बुनियाद पे ये आज 10,000 कह रहे हैं। बौखलाहट और बढ़ेगी तो कल 15,000। चलिए आप अपनी वेबसाइट पे बता दीजिए कि कितने करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, ये तो बता पाएंगे आप आरती जी? हम आपको बता देंगे। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज बहुत क्लियर है, जो हम दे रहे हैं खुल के दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के दायरे में दे रहे हैं, हर चीज सामने होगी।
कोई ये जो जो चीजें दी जा रही हैं, अखबार के एड का भी रेट डिसाइडेड है, होर्डिंग्स का भी रेट डिसाइडेड है। तो भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने बहुत पहले प्रचार शुरू कर दिया, हमने थोड़ा बाद में शुरू करा। हम बात के कम दिनों में ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने 3.5-4 महीने से राहुल गांधी जी पे तो मीडिया ने कहा ना कि 5,000 करोड़ का बजट रखा है राहुल गांधी जी के चेहरे पे। इन्होंने नहीं क्या एक राहुल को लेके पूरा कैंपेन चलाया, कहां पे उसमें इनके मनमोहन सिंह जी, तो ऐसा नहीं है मनमोहन सिंह। और क्या है कि पूरा इन्होंने जो गिरावट आई प्रधानमंत्री के कार्यालय में, और वो एक साइड पे होके बैठ गए मनमोहन सिंह जी, वो कहीं नजर नहीं आते। अब इधर हमारा जो है घोषित प्रधानमंत्री हमारी नीम अफसर जी, मैं नहीं, हम पर राहुल गांधी की तस्वीरों पर आपने भी तो 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए। अब ये 5,000-10,000 करोड़ के आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग की जितने छापेमारी कर रहा है, जितनी लिकर बरामद हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार इतने हजारों करोड़ रुपए फूके जा रहे हैं दोनों ही तरफ से, हर तरफ से। देखिए, पहली बात तो है कि भारतीय आरती जी की मालूमात में कमी है, और शायद आप भी इस प्रोपेगेंडा का शिकार हो गए। वो 5,000 करोड़ की जो बात है, वो 500 करोड़ कहा गया, सारे अखबारों में आया था, मीडिया में आया था, और हमने उसको डिनाई किया था, और मैं अभी फिर डिनाई कर रहा हूँ। 10,000 करोड़ का सुन लीजिए, 500 करोड़, 10,000 आपके 10,000 करोड़ जनता का ही है, घूम फिर के इकोनॉमी वही है। आप बुरी तरह से सुन के, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले, मेरी बात सुन ले आप पहले जी, बहुत कंफ्यूज है, आप कंफ्यूज है। कल आपके ही एक प्रवक्ता बैठकर एक चैनल पर मेरे साथ बहस कर रहे थे, खुद कह रहे थे 500 करोड़ रुपया। वैसे आपके चैनल, आप ही प्रवक्ता, आपसे बात करके इश्यूज को फाइनलाइज कर लिया करिए। मीम अफजल जी, बात पूरी कीजिए, आई स्टैंड करेक्टेड। देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, 10,000 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, मामूलात बता दीजिए। आप तो बहुत नॉलेजेबल है, आपको तो बहुत कुछ भी प्रमाण देने की जरूरत नहीं, पूरा देश देख रहा है आपका टेलीविजन पर प्रोपेगेंडा, आपका अखबारों में प्रोपेगेंडा, सड़कों पर प्रोपेगेंडा, चाहे पेपर पेज में आपके पोस्टर लगे हुए हैं, अस्पतालों में लगे हुए हैं, आपकी पब्लिक प्लेसेस पर लगे हुए हैं, सब जगह पर आप देख लीजिए, आपकी होर्डिंग्स, आपकी छोटी होर्डिंग, आपकी बड़ी होर्डिंग, पूरा देश गवाह है। कोई भी शख्स कह सकता है आप हजारों नहीं, दसियों हजार, बीसियों हजार करोड़ की पब्लिसिटी मेरे ख्याल से दोनों एक चीज नहीं समझ रहे। आरती जी एक मिनट, मैं एनके सिंह बोल रहा हूँ, दोनों शायद एक चीज नहीं समझ रहे। आप लोगों को तो ये फिगर बढ़ा बढ़ा के बतानी चाहिए। अभी अभी इकोनॉमिक उसकी रिपोर्ट आई है कि अगर करीब 20,000 करोड़ रुपया ब्लैक का और नॉन ब्लैक का अगर पंप इन होता है इंडियन सिस्टम में, तो इससे इससे बहुत अच्छी बहबूदी बढ़ेगी कंट्री की। तो आप लोगों को तो बढ़ा बढ़ा के बताना चाहिए, इसमें क्या बुराई है। पर राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक लाइन माफ कीजिएगा, मीम जी ने भी बोला है, जी बोलिए मीम जी। एनके सिंह साहब की बात से मैं ये नतीजा करूंगा कि कांग्रेस ने जो कल कहा है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने खर्च किया है सिर्फ मोदी जी को पब्लिसाइज करने के लिए, इसमें दम है नहीं। मैं मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि इंडियन इकोनॉमी से मजबूत होती है, गरीब को थोड़े बहुत मिल जाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप लोग बढ़ा उड़ा के खर्च कीजिए, कोई बुराई नहीं है। बाजार में काला धन है, वैसे भी ये सारा का सारा काला धन है, चाहे 5,000 करोड़ हो, चाहे 500 करोड़ हो, चाहे 10,000 करोड़ हो। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन बहुत खुश होंगे कि कम से कम कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जो है वो वापस इकोनॉमी में आ रहा है, सर्कुलेशन में आ रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। खासतौर से एनएसएसओ का जो डेटा आया है, एनके सिंह साहब के लोगों के पास, भारतीय जनता पार्टी को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम ब्लैक मनी खर्च कर रहे हैं, लोगों को रोजगार मिले। सभी नेताओं को, पूरी नेताओं की जमात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उतना है ही नहीं, आप समझ लीजिए, ये एक पहलू है, अच्छा एंगल है जो हमने कवर किया। लेकिन मैं एक बार फिर से चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपसे एक मिनट, के हौसले इतने पस्त है, ये कह रहे हैं हम हार ही रहे हैं, पैसा क्यों खर्चे। देखिए, हौसले तो इतने पस्त है, ये कह रहे हैं हम हार ही रहे हैं,
तो पैसा क्यों खर्चे? तो ये पैसा भी नहीं खर्च रहे हैं दवा में, आगे का समय ठीक निकलेगा? ये तो हौसले पूरी तरह से पस्त हैं, ये पैसा भी खर्चने को तैयार नहीं है, दवा के लिख रहे हैं। सबके चेहरे जनता देख रही है, एक और चेहरा हर्षवर्धन जी का चेहरा भी बिचारी जनता को दिखा देते हैं। दिल्ली में बीजेपी ने संकेत देने की कोशिश की कि एक एमएलए को एमपी दे दिया। बड़े अरसे से दिल्ली में समझ नहीं आ रहा था कि कमान किसके हाथ में है, तो विजय गोयल जी को राज्यसभा भिजवा दिया गया और उसके बाद हर्षवर्धन जी को उतारा गया है। उनका चुनावी भविष्य भी तय होगा, सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है उनका। चांदनी चौक लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस बार क्या सातों सीटों पर बीजेपी कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल कामयाब होगी, कोई इसमें डाउट नहीं है। आप लोग बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप लोगों को शक है क्या? कोई डाउट नहीं है, किसी को डाउट नहीं है, ना जनता को डाउट है, ना हमें डाउट है। आप लोग क्यों सवाल बार बार? इस तरीके से विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक सेंध लगा दी थी, उसको देखते हुए क्या लग रहा है आपको? अब देखो, ऐसा है कि अब आम आदमी पार्टी जो है उसका असली चेहरा लोगों के बीच में बेनकाब हो चुका है। उनकी कथनी करनी में कितना फर्क है ये लोगों को समझ में आ गया है। वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रीच करते हैं लोगों को पता लग गया है। वो कितना झूठ बोलते हैं वो लोगों को पता लग गया है। और किस प्रकार से वो आज भी विदेशों के इशारे पर भारत में अराजकता फैलाने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये भी लोगों को एहसास होने लगा है। तो अब मैं नहीं समझता कि इस चुनाव में वो ज्यादा लोगों को गुमराह कर पाएंगे। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, तो क्या आपको फायदा मिलेगा, आपको लगता है ऐसा? लहर की बात नहीं है, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी ईमानदारी और अपने अच्छे कामों से भारतवासियों के हृदय में स्थान बनाया है। और जब उनका स्थान हृदय में बन गया, तो उसको कोई कैसे छेड़ाछाड़ी करके। तो बड़ा सवाल यहाँ पर आपने सुना हर्षवर्धन जी क्या कह रहे थे, लेकिन इससे पहले भी चर्चा थी, चाहे वो मोदी को लेकर एड्स हो, मोदी की शादी की बात हो, हर तरफ मोदी मोदी नमो नमो। एनके सिंह साहब, और मैं फिर बाकी वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाऊंगी। सिंह साहब, मोदी की ये स्ट्रेटजी बाकायदा जिस तरह से दिल्ली में हमने देखा एक टेस्ट केस के तौर पर कि लोगों ने जब विधानसभा के चुनावों में वोटिंग की, अरविंद केजरीवाल का चेहरा था, लोगों ने झाड़ू पे जाकर बटन दबा दिया, क्या वो रेप्लिकेट करने में नेशनल स्तर पर बीजेपी कहीं ना कहीं कामयाब रही? क्योंकि अब चेहरा सिर्फ एक है, मोदी का चेहरा, कोई कंफ्यूजन नहीं। पोस्टर में ना तो अडवाणी जी दिखते हैं, ना बाकी की टीम दिखती है, भले ही आरती जी कहें पूरी टीम को साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली अगर आप देखें तो दोनों का यूएसपी लगभग एक था। अरविंद केजरीवाल का जो 65 साल का सिस्टम था करप्शन, मोदी का सिर्फ एडिशन ये था कि एबल एडमिनिस्ट्रेटर डेवलपर, जो इमेज उन्होंने क्रिएट किया, एक्चुअल वो क्या है वो तो ठीक है, वो डिबेटेबल है कि गुजरात के तमाम वेरिएबल्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जिसको क्वेश्चन किया जाता है, लेकिन जो क्रिएट पब्लिक में किया, मीडिया हाइप, सोशल मीडिया में, सब मिला के ये है कि मोदी के जो 4 प्लसेस हैं उसमें से 2 तो अरविंद केजरीवाल के पास है, बाकी 2 मोदी के पास इसलिए कि पहले से वो पॉलिटिक्स में है। वो है 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन।